कॉमनली एक मिस्टेक होती है जिसके साथ बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि सर 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मुझे हिप में दर्द था और मेरा शियाटिका का ट्रीटमेंट चल रहा था। यू अंडरस्टैंड दैट? शियाटिका का मतलब होता है जो कमर में नस दबती है जिससे कि हमारी पूरी टांग में दर्द जाता है, बहुत लोग उसका ट्रीटमेंट लेते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो गोल्डन पीरियड होता है, जो हमारा टाइम होता है जिसमें हम मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके हिप को सेव करने के हमारे पास, वो टाइम हम मिस कर जाते हैं। सो आपको याद रखना है कि अगर आपका हिप का पेन आपके फ्रंट पॉकेट की तरफ है, यानी कि आगे की तरफ है, तो वो डेफिनेटली हिप जॉइंट से ओरिजिनेट कर रहा है। जनरली कॉमन पब्लिक क्या समझती है कि जो हमारे बटक्स होते हैं उसको हिप समझते हैं, कि जो हमारा बटक वाला एरिया है वो हिप है, जबकि जो वहाँ पर दर्द होता है तो उनको लगता है कि मेरे हिप में प्रॉब्लम है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो व्हाट इज़ माय सेकंड मैसेज टू यू कि आपको अगर हिप जॉइंट में पेन है, विच मीन्स कि आपको फ्रंट पॉकेट में पेन है, जहाँ फ्रंट पॉकेट होती है हमारी ग्रॉइन होती है, या आपको हिप के साइड में पेन है, यहाँ पर आपकी साइड पॉकेट होती है, राइट? तो इन दोनों जगह का पेन मोस्ट लाइकली हिप जॉइंट से आ रहा होता है। जिन पेशेंट्स को बटक में पेन है और वो जांघ के पीछे वाले हिस्से में जाता है, दैट इज मोस्ट लाइकली शियाटिका, और ऐसे लोगों को कमर में भी दर्द होता है साथ साथ। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप हिप के पेन को शियाटिका के साथ कंफ्यूज करेंगे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। एंड आई हैव सीन सो मेनी यंग पेशेंट्स वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर शियाटिका और डिस्क प्रॉब्लम।